चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। श्योपुर ग्वालियर बॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ग्वालियर से श्योपुर तक के लिए नैरोगेज लाइन को बॉडगेज लाइन में बदलने के लिए केंद्र ने 660 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत 8 बड़े पुल और 95 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। इससे पहले बानमोर से सबलगढ़ तक की बॉडगेज के लिए 700 करोड़ राशि आवंटित की जा चुकी है। जानकारों के मुताबिक सबलगढ़ से वीरपुर तक 27 किलोमीटर और वीरपुर श्योपुर तक 71 किलोमीटर तक ब्रॉडगेज बनाने में 650 करोड़ रुपए का खर्च आना है, जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बकायदा रेल मंत्री को पत्र लिखा था और ऐसे में अब सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो केंद्र की तरफ से ये बड़ी सौगात ग्वालियर से श्योपुर तक के लिए अब जनता को बेहद ज्यादा सहूलियत मिलेगी। 8 बड़े पुल और 95 छोटे पुल बनाने का भी निर्माण कार्य जो है वो जल्द शुरू होगा। इससे पहले 700 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। आपको बता दें कि बानमोर में सबलगढ़ तक की ब्रॉडगेज ट्रेन जो है वो शुरू होगी। ब्रॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की एक बड़ी सौगात सामने आई। सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, केंद्र की तरफ से प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिली है। मैं बता दूं कि सिंधिया रियासतकालीन ये ट्रेन थी और इस ट्रेन को लगभग 118 साल पहले 1905 में यहाँ पर 118 साल पहले चलाया गया था। अब चूंकि समय के साथ में बदलाव हुए और आधुनिकता के साथ में तमाम सारी जो आबादी है वो भी बढ़ी, तो इसके चलते रेलवे ने यहाँ पर जो है नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, चाहे सिंधिया की बात कर ले, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तमाम सारे जो बड़े जनप्रतिनिधि है, नेता है यहाँ के, उनका ये प्रस्ताव था कि इस लाइन को जो है ब्रॉड गेज में बदल दिया जाए। तो इसके चलते 3,500 करोड़ की यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था कि ग्वालियर से लेके श्योपुर होते हुए कोटा तक ही रेल लाइन जाएगी और यहाँ पर ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होगी। मैं बता दूं, श्योपुर की 18 लाख आबादी इस समय काफी संकट में है क्योंकि नैरो गेज ट्रेन भी बंद हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये ट्रेन है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पटरी है, ये देश की सबसे छोटी पटरी है, नैरो गेज की पटरी है। यहाँ पर छोटी ट्रेन चलती थी जो कि इससे पहले भाप के इंजन से चलती थी, चूंकि उसके बाद में समय के बदलाव के साथ में डीजल इंजन से ये चलने लगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। संजय, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आसपास आपके कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, आप एक बार कोशिश करिएगा कि केंद्र के इस फैसले को और इस तोहफे को जनता कैसे देख रही है। संजय, बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं। मैं बात करना चाहूंगा, बात करने की कोशिश करते हैं कि जी अब ये जो रेलवे की नैरो गेज है, अब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रही है। 660 करोड़ का इसको जो है वो मिल चुका है, राशि भी इससे आवंटित हो चुकी है। तो किस तरीके से देखिए, 660 करोड़ की राशि जो है यहाँ से लेके बामोर से ले ये तो हेरिटेज ट्रेन होगी, लेकिन बामोर से लेके और कोटा, श्योपुर कोटा तक ये रेल लाइन जाएगी। तो 660 करोड़ किस तरीके से देखते हैं कि श्योपुर के लोग जो है लगातार जो है इसके लिए परेशान हो रहे थे कि जब से नैरो गेज बंद हुई है, कोरोना काल में नैरो गेज बंद हो गई थी, तो किस तरीके से देखते हैं किसको ट्रेन जो आप बहुत परेशान है लोग बात यहाँ से लगा के श्योपुर सबलगढ़ तुम्हारे जोरा कैलाश सब लोग परेशान है। तो इनका ये कहना है कि परेशान थे लोग इससे पहले, लेकिन अब चूंकि जब ये जो ग्वालियर ट्रेन, ग्वालियर के अंदर जो नैरो गेज ट्रेन है वो हेरिटेज में कन्वर्ट होगी और बामोर से लेके तो श्योपुर से कोटा तक जो रेल लाइन जाएगी उसमें भी जो है ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसका स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं तमाम सारे सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं क्योंकि काफी जो गाँव की जीवन रेखा मानी जाने वाली ट्रेन थी ये, क्योंकि इस गांव गुजरती थी, मुरैना के तमाम सारे गांव से गुजरती थी, कोटा में भी गांव से गुजरती थी। तो सिंधिया रियासतकालीन ये ट्रेन थी जिसमें कि गांव की जीवन रेखा माना जाता था, चूंकि ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 700 करोड़ रुपए भी जो है इसके लिए राशि आवंटित की जा चुकी है और विभिन्न चरणों में यहाँ पर राशि आवंटित की जाएगी।
अब चूंकि सिंधिया का इसमें बहुत ज्यादा भावनात्मक दखल है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया की जो समर्थक है वो यहाँ पर प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में केंद्र की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है।